जी क्या करना चाहिए, या तो लॉटो के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? अतुल ऑटो, मेरा मानना है कि चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है. बिल्कुल एक अपमूव आई है और कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि पिछले 6 महीने में हायर टॉप हायर बॉटम पर ग्रेजुअली एक एसेंडिंग चैनल में ट्रेड करता नजर आ रहा है. मेरा मानना है कि ये पोजिशनली रखना चाहिए. 240 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजिशंस के लिए. अभी 50% बाय करने की सलाह है. 260 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है. ये एक बार क्रॉस कर लेगा तो एक स्टॉक करीबन 290 तक जाने की उम्मीद इस स्टॉक में देखने को मिल रही है. बिल्कुल, का वक्त है बीटीएसटी का किरण जी के लिए. बताइए सर. देखिए पूजा जी, इमीडिएटली बाय करना चाहिए वो है सेंचुरी टेक्सटाइल. पिछले 5 दिनों के कंसोलिडेशन का इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है. वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बढ़ता नजर आ रहा है, मेरा मानना है कि ये एक बहुत बड़ा अपसाइड इसमें देखने को मिलेगा. अभी कर रहा है करीबन फ्यूचर्स में 549 550 पे ट्रेड कर रहा है. आपका स्टॉप लॉस 546 का रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ ये 55 और 559, ये दो टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए. बीटीएसटी के बिगुल का किरण जी के लिए. बताएं सर. अनिल जी, पहला कॉल दिया था सेंचुरी टेक्सटाइल, बहुत शानदार चला है और अभी भी अप मूव देता नजर आ रहा है. ऐसा ही सिमिलर चार्ट पैटर्न है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का. इसने भी 475 का लेवल जो बहुत अहमियत वाला था वो क्रॉस किया है. आपको 472 का नजदीक वाला स्टॉप लॉस रहेगा और इस स्टॉक में मेरा मानना है कि 480-485 ये दो टारगेट्स आपको आज देखने को मिल जाने चाहिए. और आपने आरबीएल बैंक के कौन से कॉल ऑप्शन की बात की थी? 340 का अभी 16 रुपए है. मैं जो टेक्निकल रुझान है, मेरा मानना है कि आरबीएल बैंक पे वो आपको रखना चाहिए. अभी भी मेरा मानना है कि कैश लेवल्स में 340 के लेवल्स के करीब हम जाते हुए देखेंगे तो इस कॉल में और भी इजाफा होता नजर आ जाना चाहिए.